वेलकम गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर शर्मा क्लासेस में। आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को परसेंटेज के बारे में कुछ नया। समझते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। परसेंट, सेंट मीन्स 100, पर मीन्स एक। 100 में से आपने लिया तो ये हो गया आपका 1%। 100 में से आपने एक लिया 1%, 100 में से 5 लिया 5%, 100 में से 50 लिया 50%। ओके, अब बात करते हैं 200 में से आपने लिया या आपके मार्क्स आए 200 में से 40, कितने परसेंट है, कितने परसेंटेज है। 200 में से 40 मार्क्स आए हैं, कितने परसेंट है पहले चेक करो। 100 में से कितने आए, 100 में से आए हैं 20 मार्क्स। 100 में से 20, तो 200 में पूरे कितने आए हैं 40। 200 में से कितने मार्क्स आए हैं आपके 40। 100 पे 20 तो बन रहे हैं, 100 पे 20, 100 पे 20 तो कितने परसेंटेज है आपका। 200 में से 40 मार्क्स आना, ये आपका 20% मार्क्स है। ओके, ये होती है आपको जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी परसेंटेज पे या परसेंटेज में, वो 100 पर करनी पड़ेगी। ओके, आगे सुनो। किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है या किसी परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है या फ्रैक्शन में। आगे समझते हैं, समझो। मान के चलो ये 60% है, ये 60% है, इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको, जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यहां एक नंबर होगा, यहां एक नंबर होगा, जब नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज हटाना पड़ेगा। परसेंटेज हटाने के लिए आपको हमेशा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। 60% है, इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, 3/5। किसी नंबर में या किसी नंबर को या किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 का मल्टीप्लाई 3/5 है, ये 3/5 है, ये इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब इस पर परसेंटेज लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई 5 20 100, 23 60%। किसी नंबर को परसेंटेज से हटाना है, ये नंबर है, इसे परसेंटेज से हटाओगे तो 100 का डिवाइड। यदि परसेंटेज लगाना है, किसी नंबर में परसेंटेज लगाना है, तो 100 का मल्टीप्लाई, परसेंटेज लगा देना है। बस यहां तक हो गई परसेंटेज की बात, खत्म। आगे करते हैं क्वेश्चंस, किस टाइप्स के आएंगे। ठीक है, एक चीज समझो, ये परसेंटेज होता क्या है, ये परसेंटेज, ये 60% है, ये होता क्या है, ये क्या होता है कि आपने किसी फ्रैक्शन में से कुछ लिया है। परसेंटेज होता निकल के कब आता है कि, अरे वही मार्क्स देख लो, आपके 200 या 500 में से इतने मार्क्स आते हैं, ये मतलब एक फ्रैक्शन होता है। परसेंटेज क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है। आपके 60% मार्क्स आए हैं, इसका मतलब क्या है, 100 में से 60 मार्क्स आए हैं, एक फ्रैक्शन ही तो है, 100 में से 60 मार्क्स आए हैं, या 200 में से आपके 120 मार्क्स आए हैं, ये 60% है क्या, एक फ्रैक्शन ही तो है। बात खत्म, समझ गए होगे, परसेंटेज होता क्या है, एक फ्रैक्शन होता है।
आगे अब यहां से समझ जाना, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का डिवाइड, परसेंटेज ये 50% है, ये 50% है, ये 50% को इसका परसेंटेज हटाना है तो क्या कर दो, 100 का डिवाइड, और परसेंटेज लगाना है तब क्या कर दो, 100 का मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? ये परसेंटेज की थोड़ी सी कहानी। लाइक राहुल है, एग्जाम में 120 मैक्सिमम मार्क्स में से उसके 80 मार्क्स आए, ठीक है, ये कितने परसेंटेज है, 100 लगा दो, कैलकुलेशन कर लो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 5 4 जा 20 अपॉन 3 से इसे कट कर दो, 6.66%, ठीक है गाइज, सिंपल क्वेश्चन रहेंगे इस टाइप के, ये क्वेश्चन है आपका इस टाइप का, 26% ऑफ 64, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, मैंने अभी बताया परसेंटेज हटाना है तो 100 का डिवाइड करते हैं 26 अपॉन 100 इंटू 64, कैलकुलेशन कर लो, यहां कैलकुलेशन आपको ये काटना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा, ओके। सेकंड मेथड 26% ऑफ 64, 25% प्लस 1% कितना हो गया, 26% हो गया, इस नंबर का 25% पहले फाइंड करो, इसका 25% कितना होगा, इसका 50% कितना होगा, 32, 25% 16 प्लस 1% इसका कितना होगा, ओनली 1% 0.64, 16.64, इस नंबर का 64 का 20% कितना होगा, 16.64। आगे क्वेश्चन करते रहें नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू गाइस।